हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम दोस्तों। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो सोनेक्स की 303 वॉकिंग फूट इंडस्ट्रियल मशीन के ऊपर है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया हुआ था इसका अनबॉक्सिंग। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो इस मशीन को इंस्टॉल करके पूरी चीज़ें इसमें कस करके, मोटर वगैरह और इसका पूरा आप देख रहे हैं कवर वगैरह कस करके, ये मशीन कैसे लगेगी आपको देखने में, इसी के ऊपर ये वीडियो है फ्रेंड्स। पहले हम आपको इस मशीन को दिखाते हैं। इसका देखिए फ्रेंड्स, एक तो पटरा, ये पटरा इनका बहुत अलग है। पटरे की साइज़ वगैरह तो कॉमन है, जैसे सब में आती है, लेकिन इस पटरे के अंदर जो शाइनिंग है ना फ्रेंड्स, ये एकदम शाइनिंग करता हुआ माइका लगा हुआ है, ग्लॉसी माइका है। ये एकदम चिकना है, जैसे लग रहा हो कि लेमिनेट किया हुआ हो, पटरे के ऊपर भी लेमिनेशन चढ़ा हो, ये एकदम चिकना है। इसका लुक एकदम चमकता हुआ आपको दिख रहा होगा, जबकि आमतौर पे जो और आते हैं मशीनों में, ये ऐसे ग्लॉसी नहीं होते हैं, ये भी चिकने ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुदरापन रहता है इसके अंदर, ऐसा ग्लॉसी माइका नहीं रहता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमको इसमें सोनेक्स में, कि ये एकदम चिकना एकदम पटरा दिया हुआ है फ्रेंड्स। और इनका पौदान जैसा आप नीचे देख रहे हैं, जैसे सभी का होता है वैसे ही इसका भी पौदान है, थोड़ा सा मोटा दिए हुए हैं। शीट अच्छी है, हैवी है, जैसा कि मशीन में आप देख रहे हैं। इसमें बॉबिन वाइंडर ऊपर ही दे दिया हुआ है, यहाँ साइड में पूरा बॉबिन वाइंडर नहीं लगा हुआ है, जैसे कि इससे पहले हमने 202 मॉडल बनाया हुआ था डाइसन का, तो उसमें साइड में बॉबिन वाइंडर था, पर इसमें टॉप पे बॉबिन वाइंडर दे दिया, ये अच्छा है। इसमें जो मोटर लगी हुई है सोनेक्स की 550 वाट की, 5000 RPM की इसकी मोटर है फ्रेंड्स। ये इसका पूरा पैनल है, ये स्पीड आपका इसमें घटाना बढ़ाना, बढ़ाना चाहे यहाँ से बढ़ा लें, तो आसान सा है, एक बटन से घटेगा एक बटन से बढ़ेगा, इससे बढ़ रहा है इससे घट रहा है। ये ऑन ऑफ बटन यहाँ पे दिया हुआ है इसी में, जब ऑफ़ कर देंगे तो भी थोड़ा देर तक यहाँ करंट रहेगा, थोड़े देर बाद और कुछ सेकंड के बाद डायल हो जाएगा। और इसकी जो मोटर इसमें दिया हुआ है फ्रेंड, वो सर्वो मोटर है इसमें, ये सर्वो मोटर भी काफ़ी हैवी वाली दिया हुआ है, अनबॉक्सिंग में मैंने आपको दिखाया ही था, तो ये इसी तरह कसा जाएगी। और ये बेल्ट आपकी लगी हुई है, ये बेल्ट के बेल्ट से ये चलेगी, ये मोटर अलग रहेगी, मशीन अलग रहेगी, बेल्ट से जो है ये मशीन चलेगी आपकी। और ये आपका देखिए रेगुलेटर नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपका रेगुलेटर है, और इसी रेगुलेटर से ये कनेक्ट करके पैडल तक ही आ गया। अब जितना तेज़ आप इसको दबाएंगे इतनी तेज़ मशीन चलेगी। और ये पूरा ऑयल टैंक फिट हो गया है आपका, ये आपका घुटना है, ये चापा ऊपर नीचे करने के लिए। और इसमें टाके वगैरह भी काफ़ी लंबे दिए हुए हैं, और चला के आपको दिखा देते हैं विष्णु भाई, और चला दो। थोड़ा सा ना मशीन चला के दिखा देते हैं, ठीक है। पलट करके ना एक लंबा टाका, पूरा फुल टाका पे चढ़ा पड़ा, ये वॉकिंग फूट में पूरी चीज़ पीछे से ना एकदम अलग आती है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं इसमें। ये देखिए कितनी तेज़ भाग रही है मशीन, गज़ब का लंबा टाका है, इतना लंबा टाका तो हमने फ्रेंड किसी और मशीन में अभी तक तो नहीं देखा। ये सब बच्चे लगेंगे इसके आगे जब फुल टाके में आप भगाएंगे, तो काफ़ी मोटी चीज़ों पर चलता है वॉकिंग फूट मशीन है, इसीलिए लंबे टाके देते हैं, क्योंकि जितना मोटा चीज़ होगा ये टाके थोड़े से सिकुड़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये इंस्टॉल
करके जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसको आप पसंद करें, ये आपका काम है। शुक्रिया।